हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे उसका नाम है उत्तर मौर्य काल में स्थापत्य कला किस प्रकार की थी। देखो, जो उत्तर मौर्य काल है, आप लिखो उत्तर मौर्य काल का समय। उत्तर मौर्य काल का समय 200 ईसा पूर्व से उत्तर मौर्य काल का समय 200 ईसा पूर्व से 300 ईसवी सदी तक था। 200 ईसा पूर्व से 300 ईसवी सदी तक था। टाइम पीरियड समझ आ गया ना? 200 बीसी से लेकर 300 एडी, लगभग 500 साल का इतिहास है ये। इन 500 साल के दौरान भारत में विदेशी वंश आके रहे हैं, भारत के वंश भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय समय में नहीं थे। कौन भारतीय थे? कणव। कणव वंश के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, कणव वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, छोटे छोटे भारतीय इस समय वंश भी जो भारत में राज कर रहे थे। सातवाहन ने कहां राज किया? दक्कन के क्षेत्र में राज किया, और इनके ऊपर कुषाण राज करते थे। लगभग इनका टाइम पीरियड एक सही है। देखो, इसमें स्थापत्य कला किसी भी युग के स्थापत्य कला किसी भी युग की संस्कृति को दर्शाता है। स्थापत्य कला किसी भी युग की संस्कृति को दर्शाता है। आम जीवन, आगे लिखो, आम जीवन से संबंधित, आम जीवन से संबंधित भावनाएं, आम जीवन से संबंधित भावनाएं स्थापत्य कला में निहित होती है। आज आम जीवन से संबंधित भावनाएं स्थापत्य कला में निहित होती है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखो, इस युग की स्थापत्य कला को, इस युग की स्थापत्य कला को आम जन की कला कहते हैं। आम जन, आम लोगों की कला, आम जन की कला, आम जन की कला कहते हैं। इसको इंग्लिश में भी लिख लो ब्रैकेट में, पीपल्स आर्ट, पीपल पीपल, पीपल्स, आगे अपोस्ट्रोफी आएगा उसके नीचे, उसके पास में एस आएगा, फिर आर्ट, पीपल्स आर्ट, लोगों की कला, आम जन की कला। अब इससे आप क्या समझते हो आम जन की कला? मैं क्लास में बता चुका हूं पहले, कोई बोल सकता है आम जन की कला क्या है, पीपल्स आर्ट क्या है? मैं पहले बता चुका हूं क्लास में, मौर्य काल के समय में, क्योंकि मौर्य काल में पीपल्स आर्ट नहीं थी, उत्तर मौर्य काल में पीपल्स आर्ट थी। इसका मतलब पता है क्या है? पीपल्स आर्ट, लोगों की कला कैसे होगी? क्योंकि इस समय में जो अधिकतर प्रमाण मिले हैं स्थापत्य कला के, उसको आम लोगों ने बनवाया है, सीधा सा, तभी उसको पीपल्स आर्ट कहते हैं। राजा का हस्तक्षेप स्थापत्य कला में कम रहा है, लोगों की क्रिएटिविटी अधिक देखने को मिलती है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कब बनाया गया था? अशोक के समय में। लेकिन इस समय में आम लोगों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, जो धनाढ्य लोग रहते थे उस समय में, उनके द्वारा दान दक्षिणा देके वहां पे सुधार का कार्य कराया गया सांची के स्तूप में। तो पीपल्स आर्ट हो गई ना, समझ गए इसका क्या डिफरेंस है? जैसे सांची के स्तूप को और अच्छा बना दिया, वो कच्चा स्ट्रक्चर था, उसको पक्का स्ट्रक्चर कर दिया, बाहर गेटवे मुख्य द्वार और ऐड कर दिया उसमें, इसलिए उसको पीपल्स आर्ट कहते हैं। लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस काल की स्थापत्य कला में। फिर इसके बाद आगे लिखो विशेषताएं, विशेषताएं इस समय में, इस समय में बौद्ध की, इस समय में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लोकप्रिय हो गई, इस समय में गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लोकप्रिय हो गई, और गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लोकप्रिय हो गई, और लोगों ने अब गौतम बुद्ध के चिन्ह को, गौतम बुद्ध के चिन्ह को, गौतम बुद्ध के चिन्ह की पूजा करना कम कर दिया। गौतम बुद्ध के चिन्ह की, प्रतीक लिखो चिन्ह की जगह प्रतीक, गौतम बुद्ध के प्रतीक की पूजा करना कम कर दिया।
देखो जो हीनयान है ना, मैं बता चुका हूँ, हीनयान संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का एक भाग है। हीनयान क्या कहता है, जो गौतम बुद्ध है उसके प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। गौतम बुद्ध जो खड़ाऊ पहना करता था, गौतम बुद्ध के कपड़े हो जाएंगे, गौतम बुद्ध का सिंहासन हो जाएगा, जो भी है उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन महायान जो संप्रदाय रहा है बौद्ध धर्म का दूसरा भाग, महायान जो अधिक लोकप्रिय रहा है, महायान ने क्या कहा आजो, कि उनके चिन्ह की पूजा करने की बजाय हमें गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी चाहिए, प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। तो महायान ने बौद्ध धर्म में सुधार किया और बौद्ध की प्रतिमाएं उनको लोकप्रिय बनाया। अब लोग बौद्ध की मूर्तियों की पूजा करने लग गए। ठीक है, आप देखो जैसे स्तूप बने हुए हैं, स्तूप में कहीं पे भी गौतम बुद्ध है उसकी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती स्तूप के अंदर। आपको पता है ना, स्तूप में कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। जैसे मंदिर में जाते हैं अपन को देवी देवता की मूर्ति मिलती है ना, स्तूप में क्या होता है, स्तूप के ऊपर ऊपर एक कैस्केट होता है। कैस्केट मतलब एक डब्बा होता है जिसमें राख रखी होती है, अस्थियां रखी होती है। जो बौद्ध के जो बड़े बड़े मुनि रहे हैं, जो उस समय के साधु रहे हैं, उनकी राख रखी होती है, पूजा करते हैं। लेकिन महायान धर्म ने क्या किया कि मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू कर दिया भारत में, तो बड़े स्तर पे बौद्ध की मूर्तियां बनाने लग गए। अब आगे लिखो इसकी विशेषताओं में, इस समय का स्थापत्य कला, इस समय का स्थापत्य कला केवल एक धर्म से संबंधित नहीं था। इस समय का स्थापत्य कला केवल एक धर्म से संबंधित नहीं था। इसका मतलब समझ गए ना, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, सबका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व हमें देखने को मिलता है इस काल की स्थापत्य कला में। फिर लिखो, इस काल की स्थापत्य कला मुख्यतः धर्म निरपेक्ष है। इस काल की स्थापत्य कला मुख्यतः, अपन पूरे तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यतः धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष, जैसे फूल पत्तियां हो गया, पेड़ हो गए, इनकी भी मूर्तियां बनाई गई, इनको भी उकेरा गया दीवारों के ऊपर, धर्म निरपेक्ष है। फिर आगे विशेषता लिखो, गैर भारतीय कला, गैर भारतीय कला जैसे गांधार कला भी लोकप्रिय रही। गैर भारतीय कला जैसे गांधार कला भी लोकप्रिय रही। फिर उसके बाद अगला पैराग्राफ लिखो, मंदिर और मीनार, मंदिर और मीनार, मंदिर और मीनार। अब इसमें आप लिखो, मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में, मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः गुप्त काल से मिलते हैं। मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में मुख्यतः गुप्त काल से मिलते हैं, परंतु उत्तर मौर्य काल में भी, परंतु उत्तर मौर्य काल में भी हमें उस समय के विशिष्ट, परंतु उत्तर मौर्य काल में भी हमें उस समय के विशिष्ट विशिष्ट स्पेशल विशिष्ट मंदिर के प्रमाण, विशिष्ट मंदिर के प्रमाण यदा कदा मिल जाते हैं। विशिष्ट मंदिर के प्रमाण यदा कदा मिल जाते हैं। इन मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा ना होकर, इन मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा ना होकर कुषाण वंश के राजाओं की प्रतिमा मिली है। इन मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा ना होकर कुषाण वंश के राजाओं की प्रतिमा मिली है। कुषाण वंश के राजाओं की प्रतिमा मिली है। आप समझ गए ना, जो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मंदिर निर्माण का कार्य वास्तव में गुप्त काल से शुरू हुआ, लेकिन हमें यदा कदा कुछ प्रमाण मंदिर के उत्तर मौर्य काल में भी देखने को मिल जाते हैं। हालांकि मंदिर में साबुत नहीं मिले हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि इन मंदिरों में कुषाण वंश के राजाओं की मूर्ति रखी गई थी। अब उदाहरण के लिए जांडियाल टेम्पल तक्षशिला,
जान दियाल टेम्पल, तक्षशिला। अंग्रेजी में लिख रहा हूं जैड जे एच ए एन डी आई ए एल, जान दियाल, जान दियाल टेम्पल तक्षशिला में ये मंदिर हमें मिला है, कुशाण वंश का जान दियाल टेम्पल तक्षशिला, एक उदाहरण हो गया। फिर एक मंदिर है संकर्षणा मंदिर, किसी ने सुना है क्या? आरएसपी में सवाल आएगा इसमें, संकर्षणा। संकर्षणा मंदिर कहां पे है? राजस्थान में। बहुत पुराना मंदिर है, जब मंदिर बनने शुरू नहीं हुई तो उससे पहले का मंदिर है। कहां का है? आरएसपी में सवाल आया हुआ है। संकर्षणा मंदिर हमें मिला है नागरी राजस्थान, नागरी, नागरी राजस्थान। बहुत पुराना मंदिर है ही नहीं मंदिर आज के समय में, केवल अवशेष मिले हैं इसके, केवल नागरी में है राजस्थान में। फिर इसके बाद आगे लिखो फाहयान ने, फाहयान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त, गुप्त काल में आया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया फाहयान। तो फाहयान ने 13 मंजिला मीनार देखी, 13 मंजिल बहुत होती है, 13 मंजिला मीनार देखी, जो हमें मिली नहीं है, 13 मंजिला मीनार देखी, जिसके ऊपर का भाग लोहे का था, जिसके ऊपर का भाग लोहे का था, और उसके शिखर पर छत्र बना हुआ था, छत्र अम्ब्रेला, उसके शिखर पर छत्र बना हुआ था। छत्र कैसे होता है? वो जिस तरह का एंटीना टाइप का होता है, ये उसके ऊपर छत्र बना हुआ था, उसके ऊपर छत्र बना हुआ था। यह हमें पेशावर से मिला है, यह हमें पेशावर से मिला है मीनार, जो कनिष्क के समय में बनवाया गया, जो यह हमें पेशावर पाकिस्तान पेशावर से मिला है, जो कनिष्क के समय में बनवाया गया। अब यहां पे आज के समय में कोई मीनार नहीं है, मीनार तो खत्म हो गया, तबाह हो गया, लेकिन फाहयान से हमें जानकारी मिल जाती है। फाहयान कहता है कि 13 मंजिला मीनार उसने देखी है, यानी जब फाहयान आया तो पेशावर में उस समय में 13 मंजिला मीनार थी कनिष्क के द्वारा बनवाई गई। आज हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसमें एक लाइन लिखो आगे, देवी देवताओं के साथ मंदिर, देवी देवताओं के साथ मंदिर निर्माण की परंपरा, देवी देवताओं के साथ मंदिर निर्माण की परंपरा बाद में गुप्त काल से शुरू हुई। देवी देवताओं के साथ मंदिर निर्माण की परंपरा बाद में गुप्त काल से शुरू हुई। फिर इसके बाद आगे लिखो आप स्तूप, स्तूप इस समय के बहुत बेहतरीन स्तूप हमें देखने को मिले हैं। स्तूप स्तूप एक अंडाकार स्तूप एक अंडाकार ढांचा था, स्तूप एक अंडाकार ढांचा था जिसके शीर्ष पर एक छड़ देखने को मिलती है, छड़ शाफ्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, छड़ जिसके शीर्ष पर एक छड़ देखने को मिलती है और उस छड़ पर छत्र बनाया हुआ है, और उस छड़ पर छत्र, छत्र यानी अम्ब्रेला, अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं, छत्र बनाया हुआ है। फिर लिखो इस स्तूप के चारों ओर
इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की छत्र, क्या बताएंगे, डायग्राम बनाएंगे ना, उसमें आएगा। आज इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग, अंग्रेजी में लोगों पत्थर की रेलिंग बनाई हुई है, जिसको अपन बाउंड्री कह सकते हैं। इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग बनाई गई, जिसमें पत्थर की रेलिंग बनाई गई जिसमें एक या दो जिसमें एक या दो मुख्य द्वार होते थे, जिसमें एक या दो मुख्य द्वार होते थे, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का कार्य किया गया था। उन गेट पे जिस पर बहुत ही खूबसूरत उन द्वार पे नक्काशी का कार्य किया गया था। सांची स्तूप की एंट्रेंस किसी ने देखी होगी फोटो के अंदर भी, कितना बढ़िया उसका गेट बना हुआ है एंटर करने का, स्लैब लगा रखी है पत्थर की, पत्थर पे नक्काशी कर रखी है, उत्कीर्णन का कार्य कर रखा है पत्थर के ऊपर। इस स्तूप में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए थे। इस स्तूप में बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए थे, अतः इस पवित्र स्थान की पूजा की जाती थी, फिर आगे लिखो, शवों के अवशेष को हर्मिका, हर्मिका एक डब्बा, एक तरह का डिब्बी नुमा हर्मिका में रखा हुआ था, छत्र सम्मान, लिखो छत्र सम्मान कोमा उपासना, दयालु भाव को दर्शाता है। छत्र सम्मान कोमा उपासना कोमा दयालु, दयालु की जगह उदारता लिख लो, उदारता भाव को दर्शाता है, जो स्तूप होता है उसका स्ट्रक्चर है इस तरीके से। यहां पे था छोटा सा हर्मिका, जिसमें पवित्र अवशेष रखे जाते थे बौद्ध भिक्षुओं के, गौतम बुद्ध के अवशेष हो सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के अवशेषों को कई स्तूपों में डाल दिया, 50, 60, 70, 80 थोड़े थोड़े अवशेष लेके उनको पवित्र स्थान बना दिया। ये हर्मिका हो गया, इसके ऊपर एक रेलिंग टाइप की होती थी, इसके ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेलिंग टाइप की होती थी। फिर
एक छड़ी होती थी, छड़ी को येस्टी कहते हैं, येस्टी छड़ी, येस्टी छड़ी, उसको शाफ्ट कहते हैं अंग्रेजी में, SHAFT शाफ्ट, येस्टी। और छत्र होता है ना सबसे ऊपर, एक दो और तीन, ये छत्र है। तो मैंने क्या कहा, छत्र किसको दर्शाता है, सबसे ऊपर सम्मान, उसके नीचे उपासना और उसके नीचे उदारता को दर्शाता है, ठीक है। और इनको अपन तोरण द्वार कहते हैं, तोरण द्वार, बहुत सुंदर द्वार बनाए हुए हैं यहाँ पे एंट्रेंस के लिए, तोरण, तोरण द्वार। और ये है, कोई भी बौद्ध भिक्षु अंदर जाने के पश्चात इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाता था और इसकी परिक्रमा करता था, यही पूजा करना है, इस स्तूप के चारों तरफ परिक्रमा करना है इस प्लेटफॉर्म पे चल के, इसी को ही पूजा पाठ कहते हैं बौद्ध धर्म में। अवशेष तो बहुत ऊपर रखे हुए हैं, दिखते भी नहीं होंगे। तो इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, प्रदक्षिणा यानी चक्कर लगाना, प्रदक्षिणा पथ, जैसे मंदिरों में भी होता है ना प्रदक्षिणा पथ, जहां पे मूर्ति रखी होती है, गर्भगृह होता है, गर्भगृह के चारों ओर कई बार चक्कर लगाते हैं ना मंदिर के, है ना, उसके चारों तरफ पीछे से जाते हुए, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और इसको वेदिका कहते हैं, जो दूसरा स्ट्रक्चर बना रखा है रेलिंग वाला, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको वेदिका कहते हैं, वेदिका। और इसको अंडाकार स्ट्रक्चर, अंडा अंडाकार स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आ गया, स्तूप किस प्रकार का था, सांची का स्तूप बिल्कुल इसी तरह का है, सांची का स्तूप। जो में स्तूप मिले हैं वास्तव में एग्जिस्टिंग है ही नहीं, मतलब स्तूप बर्बाद हो चुके, खत्म हो चुके, हमारे कल थोड़े से ईंट वगैरह नजर आती है। पूर्ण रूप से साबुत स्तूप भारत में दो तीन ही मिले हैं मुश्किल से, एक सांची का स्तूप हो गया, एक अमरावती का स्तूप हो गया, सारनाथ का स्तूप हो गया, ठीक है। समझ आ गया इसका स्ट्रक्चर, कहाँ पे अपन अवशेष को रखा करते थे उस समय में बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब इसके बाद आगे लिखो सांची का स्तूप, जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप भारत में कौन सा है, सांची का स्तूप, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसमें लिखो सांची के स्तूप, सांची में एक ही स्थान पे तीन स्तूप मिले हैं, वहां तीन स्तूप बना रखे हैं सांची के अंदर, एक ही स्थान पे तीन स्तूप बने हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा स्तूप है, जो मुख्य स्तूप है, उनमें से एक सबसे बड़ा स्तूप यानी मुख्य स्तूप है, उनमें से एक सबसे बड़ा स्तूप यानी मुख्य स्तूप है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया, इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया, लेकिन लेकिन इसके विस्तार और सुधार का कार्य, लेकिन इसके विस्तार और सुधार का कार्य शुंग वंश के राजा, लेकिन इसके विस्तार और सुधार का कार्य शुंग वंश के राजा अग्निमित्र के द्वारा किया गया। शुंग वंश के राजा, शुंग भी भारतीय वंश था उत्तर मौर्य काल का, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र के द्वारा किया गया। आगे चलकर लकड़ी की रेलिंग को, जो भार का बॉर्डर है, लकड़ी की रेलिंग को पत्थर में तब्दील किया गया। सबसे पहले लकड़ी की रेलिंग में लगाई थी, लकड़ी की रेलिंग को पत्थर में तब्दील किया गया। किसने किया, आम लोगों ने, दान दक्षिणा देके पैसा इकट्ठा करके पत्थर में तब्दील किया गया। इस स्तूप में, इस स्तूप में एक नया मुख्य द्वार बनवाया गया, इस स्तूप में एक नया मुख्य द्वार बनवाया गया, जो सबसे फेमस द्वार है, जिसमें खूब सारी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। मुख्य द्वार बनवाया गया जो
राजा सातकर्णी, और सातवाहन के बारे में बात कर रहे हैं, जो राजा सातकर्णी के समय, सातकर्णी सप्तकर्णी कहते हैं हिंदी में, जो राजा सप्तकर्णी के समय आम लोगों के द्वारा लगवाया गया, समझ गए ना, राजा ने नहीं लगवाया लेकिन उस राजा के समय में आम लोगों ने वो गेट लगवाया, जिनमें व्यापारी भी हो सकते हैं, श्रेणी के प्रमुख भी हो सकते हैं, जिन्होंने खूब पैसा कमा लिया, आप कहाँ पैसा लगाए, तो उन्होंने एक गेट बनवा लिया सांची के ऊपर, ठीक है, साफ करने के समय आम लोगों के द्वारा लगवाया गया। इसमें लिखो स्तूप गौतम बुद्ध की, स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं, स्तूप गौतम बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है, चार प्रमुख घटनाओं को दर्शाता है, जैसे जन्म, कौमा मोक्ष, जन्म कौमा मोक्ष कौमा धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कौमा महापरिनिर्वाण, कौमा महापरिनिर्वाण। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ है, उसको मोक्ष कहां पे मिला है, धर्म चक्र परिवर्तन कहां हुआ और महापरिनिर्वाण कहां हुआ, ये आपके रटने की चीज है, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, एग्जाम में मैथ जो फॉलोइंग में आ जाता है, उसने मोक्ष कहां पे लिया, उसने धर्म चक्र परिवर्तन कहां किया। धर्म चक्र परिवर्तन से क्या मतलब है, धर्म चक्र परिवर्तन धर्म के पहिए की शुरुआत, एक तरीके से शुरुआत द बिगनिंग, क्या मतलब है इसका, किसी को पता है, धर्म चक्र पता होगा, बेसिक सी चीज है, धर्म चक्र परिवर्तन से क्या आशय है, धर्म चक्र परिवर्तन है जब गौतम बुद्ध ने पहला सरमन दिया, पहली बार लोगों को शिक्षा देना शुरू किया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, नए अध्याय की शुरुआत, एक नए पहिए ने घूमना शुरू किया, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण उसे कहते हैं जब उसको फाइनली जाके एनलाइटनमेंट मिला, महापरिनिर्वाण यानी जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और मृत्यु को प्राप्त होने के साथ ही उसको अंततः मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो जीवित रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है वो बहुत सीमित है, वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होगी जब इंसान मर जाएगा, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएगा, तब उसको वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति होगी। किधर मृत्यु हुई थी बुद्ध की, मेरे को कुशीनगर याद आ रहा है। ये चीजें क्या है, देखो पढ़ने से याद रहेगी, रिवाइज करने से याद रहेगी, ऐसे चलते फिर तो सड़क में जाके किसी हिस्ट्री के स्टूडेंट को पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, एग्जाम से पहले ये चीज रट्टा मारनी पड़ती, मेरे को भी अभी नहीं पता कहाँ पे जन्म हुआ है, कहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है, ये रट्टे मार चीजें, एग्जाम से पहले आप रिवाइज करके जाओगे तो आपको याद रह जाएगी, और आपके पढ़ के गए चले रिवाइज किया नहीं तो आप वहां भूल जाओगे, कुशीनगर की जगह आप कोई और शहर वहां चेक कर दोगे। इसमें आगे लिखो, इस स्तूप में पशु और पक्षी की प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण की गई, इस स्तूप में पशु और पक्षी की प्रतिमाएं भी उत्कीर्ण की गई, उत्कीर्ण की गई, तभी तो उसको गैर धार्मिक भी कहते हैं। यहाँ पे गैर धार्मिक विषय वस्तु भी देखने को मिलते हैं, जैसे पशु और पक्षियों की प्रतिमाएं। फिर आगे लिखो, इस स्तूप में शाला भंजिका नाम की, शाला भंजिका नाम की देवी की मूर्ति है, शाला भंजिका, शाला भंजिका, ये नई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, शाला भंजिका, इस स्तूप में शाला भंजिका। और ये कह रहा हूं, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम में लिखोगे ना, तो चेक करने वाला सोचता रह जाएगा कि उसने पढ़ा कहां से, समझ गए, क्योंकि आप जो भी सीरीज पढ़ाओगे, जो भी गाइड यहाँ पे उठाओगे, आप जो भी किताब उठाओगे जो मार्केट में मिल रही है, उसमें ये चीजें होंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद ही जानकारी मिले। मैं कह रहा हूँ ना, जो नई एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है शाला भंजिका, तो एक देवी की प्रतिमा शाला भंजिका मिली है जो ब्राह्मण परंपराओं से संबंधित है, जो ब्राह्मण परंपराओं से संबंधित है, यानी सांस्कृतिक ट्रेडिशन भी यहां पे देखने को मिल जाता है, ब्राह्मण परंपराओं से संबंधित है। यह देवी किसी भी पौधे को छू ले,
यह देवी किसी भी पौधे को छू ले तो उसमें फूल अंकुरित हो जाता था। यह देवी यानी इसको प्रकृति की देवी कह सकते हैं एक तरीके से। यह देवी किसी भी पौधे को छू ले तो उसमें फूल अंकुरित हो जाता था। ये ब्राह्मण परंपरा की है, ये जिसको स्तूप में डाला गया है। अतः बौद्ध परंपराएं, अतः बौद्ध परंपराएं अन्य संप्रदायों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई। अन्य संप्रदायों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई, परस्पर क्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुई। इसका मतलब क्या है कि जो बौद्ध आदर्श है, जो बौद्ध परंपरा है, वो कैसे विकसित हुई? ब्राह्मण धर्म के साथ इनका इंटरेक्शन रहा है, इनका मेल जोल रहा है हिंदू धर्म के साथ, तब इतना समृद्धशाली बौद्ध धर्म बन पाया। बात को समझ गए ना? आपस में धर्मों के बीच में इंटरेक्शन रहा है और एक धर्म ने दूसरे धर्म को समृद्धशाली बनाया। जैसे अपने साला भंजिका का यहाँ पे उदाहरण देख लिया, साला भंजिका हिंदू ट्रेडिशन से ली हुई है लेकिन बौद्ध स्तूप में इसको दर्शाया गया। यानी विभिन्न धर्मों के बीच में मेल जोल की प्रक्रिया भी जारी थी, समझ गए ना? एक दूसरे के धर्मों से सीखा इन्होंने बहुत कुछ, अच्छी बातों को ग्रहण भी किया। फिर लास्ट लाइन लिख लो इसमें, इस स्तूप में बौद्ध प्रतीक का इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं, इसमें आप लोगों गलत लिखा है। इस स्तूप में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के स्थान पर, इस स्तूप में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के स्थान पर उसके प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। इस स्तूप में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं के स्थान पर उसके प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। प्रतीक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? हीनयान में। फिर इसके बाद आगे लिखो अगला पैराग्राफ, अन्य स्तूप बारहुत बहरूत, अंग्रेजी में लिखा है BAHRUT बहरूत। ये जो अपने जयपुर के पास में मिला है बैराट ही क्या? बहरूत एक अन्य स्तूप मिला है बहरूत, जिसकी रेलिंग में यक्ष और यक्षिणी मिले हैं। यक्ष और यक्षिणी देवी देवताएं हैं, जिसकी रेलिंग पर यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली है, जिसकी रेलिंग पर यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं मिली है। फिर इसके और अगला लिखो, दूसरा स्तूप अमरावती में मिला है, जिसमें प्रथम बार संगमरमर का उपयोग किया है, मार्बल का उपयोग किया है अमरावती के स्तूप में। इस स्तूप का निर्माण शहर के मुखिया के द्वारा आम लोगों से दान दक्षिणा लेकर किया गया। इस स्तूप का निर्माण शहर के मुखिया द्वारा आम लोगों से दान दक्षिणा लेकर किया गया। फिर इसके बाद लिखो, तीसरा स्तूप नागार्जुन कोंडा में मिला है। जहां स्तूप के ढांचे में एक की बजाय दो दीवारों का इस्तेमाल किया है।
जहां स्तूप के ढांचे में एक की बजाय दो दीवारों का इस्तेमाल किया है और बीच की खाली जगह को पत्थरों से भरा गया और बीच की खाली जगह को पत्थरों से भरा गया बीच की खाली जगह को पत्थरों से भरा गया जो मुझे समझ आ रहा है कि दो दीवार का कैसे इस्तेमाल किया है, जैसे स्तूप बनाने के लिए एक ये दीवार हो गई, फिर एक और दीवार उन्होंने बनाई डबल वॉल, और इसके बीच की जगह को पत्थर और मिट्टी से भरा है उन्होंने, तो ये डिफरेंट है। बाकी सबसे सिंगल लेयर है दीवार की, लेकिन नागार्जुन कोंडा में डबल लेयर वॉल मिली है, डबल लेयर वॉल। फिर आगे लिखो, स्तूप मृत्यु और स्तूप मृत्यु मृत्यु डेथ स्तूप मृत्यु और जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। क्षण भंगुरता, क्षण भंगुरता, इसका मतलब क्या है? ट्रांजियंस। इसका मतलब है कि आपका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं कि आपका जीवन कब तक चले, कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि अपन स्तूप में जाते रहे, हमें यहाँ पे अवशेष देखने को मिलते हैं जो मर चुके हैं, तो मृत्यु का ही प्रतीक है एक तरीके से, है ना? मृत्यु के पश्चात ही उनके अवशेषों को रखा गया, और किस चीज का प्रतीक है? क्षण भंगुरता, क्योंकि जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, ऐसी जगह पे जाके लगता है कि अपना जीवन कभी भी खत्म हो सकता है। स्तूप की पूजा, स्तूप की पूजा, मूर्ति पूजा के प्रचलन, स्तूप की पूजा मूर्ति पूजा के प्रचलन से पहले की जाती थी। स्तूप की पूजा मूर्ति पूजा के प्रचलन से पहले की जाती थी। इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।